जो व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता हो, बहुत बीमारियां उसको घेर कर रखी है, तो सोमवार का प्रदोष व्रत निकाल के रखिए। पूरे कैलेंडर में छानो कि सोमवार के दिन प्रदोष कब पड़ रहा है। सोम प्रदोष के दिन चावल की पोटली में एक लोंग रखकर जो बीमार रहे, बार बार बीमारी आए, कभी घुटना, कभी कमर, कभी पीठ, कभी ये, कभी वो, बीमारियां बढ़ रही है, स्वस्थ नहीं हो रहे, पोटली में चना चावल रख लीजिए और 21 मुट्ठी चावल उस पोटली के अंदर रखो, एक लौंग रख लो जो बीमार बहुत रहता है। सुबह से शाम तक फलाहार करो, बिना नमक का फलाहार कर शाम के समय उस पोटली का चावल शंकर जी के सामने खोल दो, खोलकर चावल पर त्रिपुंड बना दो, बनाकर एक दिया घी का, एक दिया तेल का उसी चावल पर रख दो, उसका स्पर्श करो और भगवान शंकर को नमन कर घर आकर मूंग का भोजन, मूंग मतलब हरी मूंग जो आती है, हरी मूंग का बना हुआ भोजन शाम के समय पूजन करने के बाद बिना नमक का पालो। महाराज जिंदगी में कभी बीमारी घेर ही नहीं सकती, प्रदोष कोई साधारण सा व्रत नहीं है, प्रदोष कोई हीनता व्रत नहीं है, सहजता का एक एक प्रदोष का महत्व शास्त्र वर्णन करता, शिव महापुराण कथी, एक एक प्रदोष का महत्व, एक एक प्रदोष, शंकर भगवान का मिलन बिंदु है प्रदोष। भगवान शंकर पर विश्वास रखकर एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक समय, एक एक नक्षत्र का शिव महापुराण में वर्णन है। यहां तक शास्त्र कहता है कि पीपल के वृक्ष की जब भगवान शिव रचना करे, पीपल के वृक्ष की जब रचना करी गई तो उस पीपल के वृक्ष में भी कौन सा समय किसका है, ये शिव महापुराण वर्णन करती है। सुबह 4 बजे से लेकर 7:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा जी का वास होता है, 7:30 बजे से लेकर 10:30-11 बजे तक पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है, 10:30 बजे से लेकर पीपल के वृक्ष में 11:30 बजे तक पितरों का वास होता है, 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में आहूतों का वास होता है, 12:30 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक पीपल के वृक्ष में वासुकों का वास होता है, 4 बजे से लेकर शाम को 7:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में शंकर का वास होता है, 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में कुबेर का वास होता है, 9:30 बजे से लेकर फिर कुबेर के वृक्ष में अन्य देवों का वास चालू हो जाता है। इसलिए हमारा हिंदू धर्म कहता है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि पीपल के वृक्ष को जब पूजा जाता है, पीपल के वृक्ष की जब पूजन करी जाती है तो सुबह 10:30-11 ज्यादा से ज्यादा 11:30 ज्यादा से ज्यादा 12 उसके पहले पीपल के वृक्ष की पूजन कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में पितरों का वास रहता, आहूतों का वास रहता, फिर वासुकों का वास रहता। पितर किसको कहते हैं महाराज? जो पूरी उम्र लेकर चले गए और उनके भीतर अभिलाषाएं बहुत थी, मैं ये भी करना चाहता हूं, मैं ये भी करना चाहता हूं, वो पितर हो जाते हैं। आहूत किसको कहते हैं? जिस माता के गर्भ में बच्चा जन्म ले और मर जाए, या 6 महीने का गर्भ धारण करने के बाद अवर्षण हो जाए, जीव पड़ने के बाद 6 महीने के बाद अगर बच्चा गर्भ में भी शांत हो जाता है, कुमारी अवस्था में शांत हो जाता है, जिसका विवाह नहीं हुआ ऐसा बच्चा जब शांत हो जाता है, अधोगति में कोई मर जाता है, सुसाइड कर एक्सीडेंट में किसी भी रूप में मर जाता है, तो वो आहूत कहलाता है। और बहुत ध्यान देना साहब, शिव महापुराण की कथा कहती है पितृ को भाग मिलता है, इसलिए पितृ तृप्त रहते हैं। रवि का पुष्य योग पड़े उस समय पान के पत्ते पर चंदन से शंकर, पार्वती और सरस्वती का स्मरण कर जो शिवलिंग के ऊपर उस पान के पत्ते को चढ़ाकर 5 बेलपत्र 3 समीपत्र समर्पित कर देते हैं, उस बच्चे से चढ़वा देते हैं, वो बच्चा कभी पढ़ने में कमजोर नहीं होता, विद्या में बढ़ता ही पड़ता है। पलटकर माँ बाप को देखना ही नहीं पड़ेगा, बच्चे को कभी भी मां को कहना ही नहीं पड़ेगा कि पढ़ने बैठ, वो खुद पढ़ेगा, रुचि से पढ़ेगा। 5 बेलपत्र 3 समीपत्र समर्पित कर दें, भगवान शंकर का स्मरण करें और उस बच्चे को प्रणाम करवा कर वापिस लेकर आए, बच्चा विद्या में प्रबल होता है। केवल शंकर भगवान के मंदिर में जाकर चौमुखी दिया, 4 बत्ती का दिया आटे का, उसमें घी डालकर लड़की शंकर भगवान के मंदिर में मात्र 7 बार शंकर पे से उतार कर 3 बार स्वतः उतार कर शिव के मंदिर में रख देती है, उसका मंगल आड़े आता ही नहीं है और वो लड़की का विवाह मात्र 3 महीने के अंदर, लड़के लड़की का विवाह पक्का हो जाता है।